नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है ऑल्टो K10। तो भाई ये ऑल्टो का टॉप मॉडल आता था पहले के टाइम पे। अभी तो ऑल्टो K10 के नाम से कोई गाड़ी नहीं मिलती आपको, सिंपल जो ऑल्टो आती थी पहले उसी को ही टॉप मॉडल बना दिया है। VXI की बैजिंग उस पर आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ये मॉडल था भाई, इसकी लुक काफ़ी चेंज है उस गाड़ी से, तो ये काफ़ी पसंद करते थे मतलब इस गाड़ी को, लेकिन ये कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो भाई इस गाड़ी की आज मैं आपको गियर शिफ्टिंग बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ऑल्टो गाड़ी की गियर शिफ्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जो काफ़ी भाई नई गाड़ी लेते हैं तो भाई इसमें गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे ही आप गियर लगाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। गियर से आवाज़ भी आती है, जैसे कोई गरारी वगैरह एकदम से करड़ करड़ की आवाज़ आती है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कितनी स्पीड आपको रखनी चाहिए गियर शिफ्ट करने के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 5 गियर मिलते हैं और 5 गियर के तुरंत पीछे की साइड में आपको रिवर्स गियर देखने को मिलता है। तो सिंपली आप जब गियर लगाएं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई जो क्लच पैडल होता है उसको आपको पूरा प्रेस करना है हमेशा, ताकि आपका जो गियर है वो आसानी से लग सके। नहीं तो अगर आप हाफ क्लच पे गियर लगाएंगे तो भाई उसमें क्लच प्लेट वगैरह में प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टाइम में, आपको पता लगता है उस चीज़ का कि भाई अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाते हैं तो भाई उसमें क्लच प्लेट ज़्यादा घिसती है, जिससे प्रॉब्लम आती है बाद में। तो सबसे पहले तो भाई यही काम है कि आपको क्लच पैडल को पूरा दबाना है, उसके बाद ही आपको पहला गियर लगाना है। पहला गियर लगाने के बाद आपको हल्का हल्का एक्सीलेटर भी दबाना है ताकि इंजन एकदम से बंद ना हो, क्योंकि इसमें आपको 1000 cc का इंजन मिलता है तो एकदम से बंद हो जाता है। अगर आप किसी हिली एरिया में या फिर हल्की सी भी चढ़ाई है तो वहाँ पे इसको प्रॉब्लम आती है भाई, तो हल्की सी आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर चली जाए तुरंत आपको फिर दूसरा गियर लगा देना है कुछ इस तरीके से। लेकिन भाई हमेशा याद रखना, आपको दूसरा गियर तुरंत एकदम पहले के एकदम ऐसे भी लग जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आपने पहला गियर से निकाली गाड़ी उसके बाद आपको न्यूट्रल कर देना है, खुद ही न्यूट्रल हो जाता है जैसे आप न्यूट्रल करते हैं। उसके बाद आपको फिर दूसरा गियर लगाना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से न्यूट्रल हो जाती है ऑटोमेटिकली। और भाई दूसरे से तीसरे गियर में ले जाने से पहले आपको स्पीड को देख लेना है, आपकी 40 से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। और थर्ड गियर बिल्कुल नॉर्मल है भाई इसका, जैसे ही आप आगे की साइड में करेंगे तो थर्ड गियर लग जाता है। उसके बाद फिर आपको हल्का सा गैप देना है और फिर फोर्थ गियर लगाना है, और स्पीड भी आपको हल्की सी बढ़ा लेनी है, 50 से ऊपर कर लेनी है फोर्थ गियर में। और फिर आप जैसे ही न्यूट्रल करेंगे उसके बाद आप जैसे ही गियर लीवर को इधर करेंगे फिर आपको फिफ्थ गियर लगाना है कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ गियर में इसकी मतलब जितनी भी मैक्सिमम स्पीड है वो फिफ्थ गियर में ही मिलती है। और भाई उसके बाद जैसे ही फिफ्थ गियर लगाते हैं, अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो रिवर्स गियर में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है भाई स्पीड बिल्कुल जीरो कर लेनी है, नहीं तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसमें फिर रिवर्स गियर नहीं लग सकता, उसमें आपको गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप लगाते भी हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल करके से और फिर आपको रिवर्स गियर लगाना है, काफ़ी आसानी से रिवर्स गियर लग जाएगा। और रिवर्स गियर लगते ही बैक लाइट जल जाएगी आपको और इंडिकेट भी कर देते गाड़ी, जैसे कि मैं अभी आप दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे जाती है। और भाई यही थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं जी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।